हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह सुबह सो के उठें और आपको अगर ये नज़ारा मिले तो आप कहें, ओ यार आज का भी संडे, अब काम करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ इसकी बात। हाँ भाई, जैसा कि आप सबने देख ही लिया है कि आज स्नो स्टॉर्म एक आया हुआ है। कंपेयर टू मिड वेस्ट, यानी अमेरिका के जो सेंटर में जो स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ में हैं, उसकी निस्बत हमारा इतना शदीद स्नो स्टॉर्म तो नहीं आता। अमूमी तौर पे कभी कभार आ भी जाता है, लेकिन आज मौसम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका हुआ है। और अभी आपने देख लिया कि स्नो प्लाव करने वाले भी आए थे और ये रफ्ता रफ्ता आते रहेंगे, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि सारा दिन थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ती रहेगी। अभी भी ये हल्की हल्की पड़ रही है और मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी स्नो में वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर सीन क्या है। पीछे एक ट्रक आ रहा है और ये स्नो को साइडों पे कर रहे हैं। इस ट्रक के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी सॉल्ट भी डाली हुई है। ये सॉल्ट है वो फेंक देते हैं सड़क के ऊपर ताकि ज़मीन के ऊपर जमे ना। मौसम के हालात आप लोगों के सामने ही हैं। आज एक्सपेक्टेड है कि 3 से 6 इंच तक स्नो पड़ेगी और सारा दिन सिलसिला ये जारी रहेगा और शाम को थोड़ा ख़त्म होगा और फिर कल सुबह फिर से स्नो स्टार्ट होगी। तो आप लोगों के साथ शेयर करना था, ये थोड़ा सा एक मोमेंट है हमारा। तो स्नो को देखना जो है वो हमेशा बड़ा मज़ेदार काम होता है और एक्टिविटी होती है। तो अभी हम स्नो मैन बनाने की भी कोशिश करेंगे। स्नोमैन बन जाए, स्नोमैन का बच्चा बन जाए, जो भी बन जाए उनसे काम चला लेंगे। कैमरा भी थोड़ा शेक कर रहा है क्योंकि हवा चल रही है साथ साथ। और एक फैक्ट ये भी है कि स्नो जब पड़ रही होती है तो तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन जब पड़ जाती है तो फिर उसके बाद असल ठंडक शुरू होती है। तो इसको यहीं पर रैप अप करते हैं क्योंकि वो स्नो क्लिनिंग वाला क्रू जो है वो फिर आ रहा है और रोड साइड के ऊपर उन्होंने कोई मेरा ख्याल है सॉल्ट वगैरह फेंकनी होगी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट स्नोमैन जो है वो इतना ही था और वो कंप्लीट हो गया और इतना ही बन सकता था। आज ये दोनों पार्टिसिपेंट्स ही मेरे साथ हैं और इन्होंने थोड़ी स्नो खा के टेस्ट भी की है कि सही है कि नहीं, फीकी तो नहीं है ज़्यादा।
اچھا بھی پھر آج کل اتنا ہی ہے, سنو ہو رہی تھی تو میں نے کہا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہوپ فلی یو گائز انجوائڈ اٹ. اب شام کو جو ہے وہ صفائی گراؤنڈ جو ہے وہ شروع ہوگی اور کل تک ہوپ فلی یہ سنو کم ہو جائے گی تاکہ فن جو ہے وہ ایک مسئلے میں نہ بدل جائے. ہوپ فلی چلیں جی, پھر ان شاء اللہ ملتے ہیں ان اے فیو ڈیز. ٹیک کیئر, کیپ واچنگ شوکیہ بلاگر. Thank you.